चलो आज अंदर लेके जाए इन्हें। सो गाइस हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की गुड मॉर्निंग हो गई है बढ़िया करके। भाई कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा जैसे कि भाई बढ़िया करके मीटअप वीटअप में हुए थे और पार्टी आर्टी हो गई थी, बर्थडे पार्टी अड्डे पार्टी। अगर नहीं देखा तो जाके देखो भाई। और आज का काम ये है कि ना भाई, और आज भी एक इवेंट में जाना है। फिलहाल आपको दिखाऊंगा, आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा फिलहाल कैसा थंबनेल है और क्या ही मज़े आने वाले हैं इस व्लॉग में। तो फिलहाल हमें बहुत से लोग मिले थे और बहुत से अच्छे लोग मिले थे। तो अभी फिलहाल ये जो मेरी पानी की टंकी है, पिछली बार मैंने धोई थी आपने देखा था जैसे कि, तो साफ है अभी भी। तो साफ होने के बाद मेरे को धोना है गेहूँ। गेहूँ धोते हैं बड़े घर के, और गेहूँ में है हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे स्टोर ये ऐसे ही रहता है भाई यहाँ पे। ये देखो दो दो टायर पड़े हैं ऐसे ऐसे करके। तो अभी इन ये जो डिब्बे हैं ना, इनके अंदर गेहूँ पड़े हैं, तो गेहूँ खरीद लेते हैं। जब गेहूँ बिकते हैं तो तभी खरीद लेती मम्मी। तो फिलहाल अभी गेहूँ साफ़ करते हैं, पूछते हैं मम्मी से कहाँ से निकालने हैं, कहाँ को डालने हैं। ठीक है, पर मम्मी आ गई थी। मम्मी का आना ज़रूरी था क्योंकि कौन सा वाले ड्रम में से गेहूँ निकालने, कौन सा नल नया है, कौन सा वाला पुराना, तो मम्मी को पता है। तो कंट्रोल से भी मिलता ना मम्मी हमें, तो ना 8 किलो 8 किलो, तो 8 किलो भी बहुत होता है यार। 8 किलो में 8 किलो 8 दिन में खत्म हो जाता है। 1 किलो नहीं खाता है, कुत्ता नहीं खाता है। हाँ, हमारा डॉगी खा जाता है गैलेक्सी। जो देखो वो लेटा हुआ है, दिखाऊँ आपको एक इसका तरीका। गैलेक्सी क्या हुआ, उठ इसमें डालना है। क्या इस वाली चादर में डालना है? चलो ठीक हो गया, अब आप जाओ, हमारा काम है साफ करके। साफ करना इतना कह दिया, साफ करके ही साफ होता है फिर इतनी धूप। हाँ पानी बकल बकल करना। वाओ 1 रुपए का सिक्का। गर्म भाप मार रहा है अभी से, इतनी गर्मी होने लग गई ना। मार्च की 1 तारीख 2 तारीख है, इतनी गर्म होने लग गया, इतना गर्म होने लग गया। ये देखो, चलो ठीक है अब धोना शुरू करते हैं। तो गाइस देख रहे हो ना यार, जैसे ही पानी डाला उसके बाद मेरे को जो ये होती है ना, इसके अंदर गंदगी तो नहीं होती, इसके अंदर भी गेहूं होता है। लेकिन ये गेहूं ना हमारा कौन खाता है ना, जो चिड़िया लोग होती है ना, हमने चिड़िया के लिए यहाँ पे बाल्टी भी रख रखी है। एक बहुत चिड़िया आके नहा के जाती है, और फिलहाल ये हम छत में छोड़ देते थोड़े बहुत गेहूँ, क्योंकि ये खा लेते, उनका पेट ही कितना होता तो वो खा लेते। और फिलहाल हम अपने चिड़िया लोगों के लिए, बर्ड्स लोगों के लिए, हम वहाँ पे हम खाना भी रख देते हैं, रोटियाँ रखते हैं रोजाना एक। सो दोस्तों फाइनली देख रहे हो ना, इतना सारा गेहूं ना बर्बाद होता ही होता है। बर्बाद तो क्या है, तो ये सफाई में निकल जाता है थोड़ा बहुत, या इतना तो रिफाइन करने में निकल जाता है। तो साफ भी हो गया, देखो एक बार का मैंने साफ कर दिया, कितने अच्छे से साफ हुआ। देखो भाई कितना अच्छे से साफ हुआ है, सुनहरा गेहूँ। तो भाई 3 hours later तो दोस्तों आ चुके हम, और यहाँ है हमारे बड़े भाई लोग। तो भाई अगर रोहित और हमारे को मेरा प्यार भरा नमस्कार, लव यू। आओ यार, ये हमारे हिमांश भाई। ओ माय गॉड, एप्पल, न्यू एप्पल भाई। ये देखो यार, यहाँ पे इतना बढ़िया वाला सेटअप बिठा रखा भावेश भाई ने। तो बहुत सारे आ रखे बच्चे, मन के सच्चे। फिलहाल अभी बहुत मतलब हो नहीं सकता यहाँ पे इंट्रोड्यूस, इतना बड़ा है, लेकिन माइक में बोल देंगे अपना नाम कबीर भाई। तो गाइस ये है हमारे शेखर सर, जैसे कि आप जानते होंगे हमारी एक वो 18 मिलियन से उसमें आ गई, 120 में आ गई है, 120 मिलियन। हाँ वो मतलब 2 मिलियन कूद रही है। तो मैम कैसे हो, बढ़िया हो? उसको देखने में डर लगता है मुझे, मेरे ब्लॉग चल रहे हैं स्क्रीन में, आज कभी वो मारेगा कागज भाई। अपने आप को भी मिल पाता नहीं, आजकल आप भी ब्लॉग बनाना भूल गए हो।
यार आपने आपका ब्लॉग शूट अब शायद हम करेंगे एक दिन नहीं है तुम परमानेंट मेरा ब्लॉग शूट करोगे पक्का ब्लॉग चैनल खोल दूंगा अभी मैं भी हाँ ब्लॉग चैनल खोल रहा आप मैं हमारा प्लान ये है ना अगले साल से न्यू ईयर से 10 चैनल में हैंडल करेंगे 10 चैनल 4 है और 6 और बना उसमें एक GTS होगा एक ब्लॉग का होगा और एक होगा मोटिवेशनल एक चैनल तो आपका 5 लाख हो चुका है ना 5-6 लाख ना और एक 2 मिलियन है पान खा के बात करो तो भाई यार हमारी मस्ती देखो ना कबीरा भाई मतलब सर के साथ मेरा मतलब पूरा का पूरा बचपन से मेरे दोस्त लेकिन मैं इनके बड़ा बहुत डायर्ड फैन हूँ सच्ची कबीरा भाई मैंने वो देखा ना मतलब 2-3 मैंने वो प्रोजेक्ट हम लाइव भी आए थे मतलब मेरा दिल खुश हो गया और गुरु भी गया था ना मैं तभी तो मैंने मतलब ये भी गुरु है आप भी गुरु मतलब दोनों ही गुरु है तभी गुरु के बीच मैं वो नहीं कर रहा हूँ तुम वापस आ गए थे लेकिन मैं 25 डेज रहा इन्होंने पूरे 60 डेज कम्प्लीट करे पूरे के पूरे 60 डेज सो गाइस यार यहाँ पे देख रहे हो ना सबके सब है कुछ न्यू लोग है बहुत से लोगों से मतलब इंट्रोड्यूस भी होगा बढ़िया वाला और बहुत लोगों को देखा भी है फिलहाल अभी कुछ लोगों को जानते हैं ये सर लोगों को जानते हैं और इनको भी जानते हैं अंशु भाई को भी जानते हैं लक्की को भी जानते हैं यार 2 मिलियन कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन दोबारा से और चलते अभी केक काटते हैं बढ़िया करके तो भाई ये अपना केक 2 मिलियन का फिलहाल ये है कि कुछ इसी प्रकार का कल रोहित दागले बनाया था फिलहाल अपनी बहन यहाँ पे बैठी हुई है अर्शु बढ़िया चलो कटवाते चलो आओ केक काटते हैं ये हमारा वीडियोग्राफर गिम्बल टेकर अंडर टाइगर गिम्बल टेकर गिम्बल कहाँ तेरा आज तेरा हथियार कहाँ है मैं घर छोड़ के आया हूँ अच्छा आज घर छोड़ के आया तो भाई इतने दिनों बाद मिल रहा है कि आप होश ही नहीं मिल रहे और ये मेरी जाने भाई लड़की बात करना क्या गुस्सा साला रात भर फोन बात करता लड़के से हाँ रात भर मेरा लाल कुआ का पहला यूट्यूबर अपने सेकंड सर ये लाओ ना यार ये भाई को तो हम बहुत पहले से जानते हैं 2-3 साल पहले से जानते हैं कॉन्फिडेंस चाहिए इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई को यार भाई अपना यूट्यूब चैनल बताओ तो भाई यार मैं बहुत पहले से जानता हूँ इनको ये फर्स्ट टाइम मेरे को मिले थे वॉक वे के बगल वाला जो था ना तब एक भाई के साथ आया था तुम मॉडल एक तरफा आया तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अपने सर को दीवारा से चौबारा से अब इसके बाद 2 से 4 होंगे 4 से 8 होंगे 8 से 16 होंगे 16 से 32 होंगे उसके आगे का मेरे को आता नहीं ज़्यादा मैथ पढ़ी थी तो भैया लो थैंक यू लव यू ऑल लव यू माय गॉड हेलो कैसे हो चलो 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 कहाँ हुआ तुम्हारा शुरू हुआ कि नहीं हुआ हो गया शुरू तो अभी कर रहा है चलो एंट्री करवा देते हैं इनकी हेलो जी आज मॉडल आ गए हैं और हमारे मॉडल यहाँ पे पधार चुके हैं जो कि बहुत दूर से यार दूर से आ गए ना 16 किलोमीटर चलो चलो आज अंदर लेके जाए इन्हें चलो यार इनकी एंट्री करवाते हैं साथ ही साथ आप कौन सी वाली सीट पे बैठना चाहोगे जिस सीट पे आप बैठा आओ यार आओ अपना शौक पूरा करने के लिए आदमी कभी भी किसी टाइम भी खड़ा होता है जब मौका आएगा तो बहुत ज्यादा मौका आएगा अमेजिंग तो आप
कोई जॉब या अपना बिजनेस नहीं, बेसिकली शौक जो गाने का है इसको पूरा कर रहा हूं। आ रहा हूं तो हॉस्पिटल के साथ जस्ट बगल में दोनों तीनों के तीन मेरे गुरु हैं, और कम से कम मैं 12 ईयर ओल्ड मतलब सबसे 12 साल हो गए तब से मेरे से सर गुरु है, और 3-4 साल से भैया को जानता हूँ मैं, और भैया सिखाते रहते हैं कुछ अच्छा अच्छा। तो आज इवेंट रखा था, बहुत अच्छा लगा। पहले इवेंट में मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं राजस्थान में था। फिलहाल अभी सर लोगों से कुछ मेरे बारे में। गौतम बहुत मेहनत कर रहा है और इंडिया टूर में भी गया था अभी ये, और साइकिल से, लेकिन मानिए हमारे देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और बहुत साल से हमारा स्टूडेंट है और बहुत दिन रात मेहनत करता है, मेहनती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए गौतम राव ब्लॉग को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपना प्यार देते रहिए उत्तराखंड को। बहुत टफ है यार, भाई को खूब सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू प्रणाम। भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, उस पे मैं वारी वारी जाऊं रे, ओ मेरा भोला ना माने। थैंक यू। तो गाइस यार यहाँ पे देखो यार सब लोग लाइन बारी में लग चुके हैं, और बढ़िया करके चल रहा है अभी फोटोशूट। अंशुल भाई फोटो खींच रहे हैं, भाई लोग बैठे हुए हैं सब लोग बढ़िया करके, और क्यूटी पाए ऐसे कर दो, पुई कर दो, पुई नहीं ये कर दो, पुई वीडियोस वाले अन्यो क्यों कहते थे वो, अन्यो क्या होता है, होता हेलो होता है, आई लव यू क्या होता है, आई लव यू सबको पता रहता है। आलू मटर 12 o'clock midnight